তোকে কত করে বললাম আমার বিয়ের সব গয়না তোর জন্য রাখা হয়েছে, তাও নতুন গয়না গড়াতেই হবে। উফ মা, তোমার ওসব গয়না এখন এসব আর চলে না। তুই চুপ কর, খাঁটি সোনার গয়না বুঝলি, এখন আর এসব কোথায়, সবেতেই তো ভেজাল। মা তুমি কিছুই জানো না, এমপিপি জুয়েলার্স নামেই তো ভরসা। চল দেখি কেমন সব গয়না গাটি। বিয়ের জন্য পছন্দ মতো ডিজাইন সঙ্গে সঠিক দাম আর খাঁটি সোনা পেতে গেলে আপনাকে আজই আসতে হবে এমপিপি জুয়েলার্স। তাহলে বলো মা, ডিজাইনগুলো কেমন, ঠিক জায়গায় এসেছি তো? আমি তো আগেই জানতাম, তোর সাথে মজা করছিলাম। চল একটা সেলফি তুলি, তোর বাবাকে পাঠাও। এমপিপি জুয়েলার্স, ঐতিহ্য যা আজও বহমান। लायंस क्लब ऑफ रानीगंज के महिला विंग गरिमा के तरफ से रविवार की शाम चित्रहार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम मुख्य रूप से बॉलीवुड के 60 और 70 दशक के सुनहरे दौर पर आधारित था, जहां गरिमा की महिला सदस्यों ने गुजरे जमाने की मशहूर अभिनेत्रियों की वेशभूषा में सज धज कर शानदार प्रस्तुति दी। अपने दौर की मशहूर अभिनेत्री रही परवीन बॉबी, हेलन, नीतू सिंह, साधना, वैजयंती माला समेत अन्य अभिनेत्रियों की तरह ड्रेस पहनकर और मेकअप कर आई महिलाओं ने पुराने गीतों पर आकर्षक नृत्य प्रस्तुत किए। महिलाओं ने अपनी प्रस्तुति से हर किसी का मन मोह लिया और चित्रहार कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। कुल मिलाकर गरिमा की महिला सदस्यों ने चित्रहार कार्यक्रम में जमकर मस्ती की और उनमें भारी उत्साह देखने को मिला। चित्रहार में बेहतर प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को पुरस्कृत भी किया गया। निर्णायक मंडली द्वारा नृत्य प्रदर्शन, मेकअप, हेयर स्टाइल और ड्रेस का मूल्यांकन करने के बाद पुरस्कार के लिए प्रतियोगियों का चयन किया गया। लायंस क्लब की महिला विंग की चेयरपर्सन प्रीति खेतान ने बताया कि गरिमा की तरफ से प्रत्येक वर्ष सावन के महीने में इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, परंतु इस बार कार्यक्रम थोड़ा अलग है और इसका पूरा फोकस बॉलीवुड के 60 और 70 दशक के सुनहरे दौर पर आधारित है। उन्होंने कहा कि चित्रहार में गरिमा की लगभग 25 सदस्यों ने प्रस्तुति दी है। कुल मिलाकर इस कार्यक्रम के जरिए यह संदेश देना है कि उम्र चाहे जो भी हो, दिल हमेशा जमा रहता है। कोई नीतू सिंह है, कोई साधना है, मेन गुड हेयर स्टाइल, मेकअप एंड ड्रेस, अगर तीनों हेयर ड्रेसर तब मिलेगा, मतलब कोई हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं देंगे, जो भी आएंगे पाँच छः उनको हम लोग देंगे। मैं नॉट क्राइटेरिया कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, पूरी जो तैयार हुए पाँच बेस्ट बता कर हम लोग प्रोग्राम करते हैं लेडीज लोग के लिए, तो इसलिए सावन का ही प्रोग्राम है, मगर थोड़ा डिफरेंट वे में, थोड़ा ज़्यादा मज़ा कर पाए, पुराने स्टाइल में, पुराने सबको कुछ नया मिले, इसलिए हम लोग चित्रहार लेके आए। 60s एंड 70s के हार्ट थ्रोब हीरो हीरोइन डांसर्स को लेकर हम लोग पूरा प्रोग्राम बेस किए हैं और इसी थीम पे पूरा डेकोरेशन भी हुआ है। तो क्या क्या इसमें मतलब परफॉर्मेंस होगा यहाँ पे, जो भी 60s 70s के बड़े बड़े हीरो हीरोइन थे, जैसे राजेश खन्ना, ऋषि कपूर, शमी कपूर, साधना, प्रवीण बापी, सायरा बानू, हेलन, हेमा मालिनी, सब जितने भी पुराने, हम लोग जितना दे पाए उतना भी। तो कितनी महिलाएं भाग ले रही हैं इसमें? 25 लोग, ऐसे तो पूरा हम लोग 35-40 लोग एक्टिव है इसमें पूरे में, बट डांस में 20-22 लोग। तो क्या संदेश मैसेज देने की कोशिश है इससे? यही कि हम लोग का दिल हरदम यंग रहता है, चाहे हम कितने भी पुराने हो, और कुछ भी काम करे बिना टीम वर्क के कोई काम सफल नहीं होता है। इस अवसर पर प्रोग्राम चेयरपर्सन स्नेहा साव, को चेयरपर्सन वंदना बुचासिया, कोऑर्डिनेटर प्रीति सराफ और वानी खेतान समेत अन्य सदस्य उपस्थित थी। विप्लव वाद्यकर के साथ रामबाबू यादव की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स।